पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एसीसी इमर्जिंग एशिया कप 2024 के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान। मोहम्मद हारिस कप्तान, अब्दुल समद को मेहनतों का समर मिल गया। एसीसी इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से बात करें तो 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 तक ओमान में खेला जाएगा, जिसमें कुल 8 टीमें और 15 मैचेस खेले जाएंगे। ए ग्रुप में अफगानिस्तान ए, बांग्लादेश ए, श्रीलंका ए और हांगकॉन्ग शामिल है, जबकि बी ग्रुप में इंडिया ए, पाकिस्तान ए, ओमान और यूएई शामिल हैं। अगर हम बात करें एसीसी इमर्जिंग एशिया कप के बारे में, तो आखिरी मरतबा जो एशिया कप खेला गया था उसमें पाकिस्तान ए ने इंडिया ए को फाइनल मैच में शिकस्त देकर चैंपियन बना था। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तानी स्क्वाड के बारे में, तो पहली मरतबा अब्दुल समद को टीम में हिस्सा मिल गया है। अब्दुल समद जो कि पाकिस्तान चैंपियन कप में अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं, वो एसीसी इमर्जिंग एशिया कप में शामिल हुई हैं। उसके अलावा अहमद दानियाल, यासिर खान और जमान खान भी पहली मरतबा पाकिस्तानी शहीन के स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। पाकिस्तानी स्क्वाड के हवाले से बात करें तो कप्तान है मोहम्मद हारिस, दीगर खिलाड़ियों में ओपनर बल्लेबाज हसीबुल्ला खान, ओपनर बल्लेबाज यासिर शाह, मिडल आर्डर बैट्समैन अब्दुल समद, मिडल आर्डर बैट्समैन उमैर बिन यूसुफ, हार्ड हिटर बल्लेबाज हैदर अली, ऑलराउंडर कासिम अकरम, ऑलराउंडर अहमद दानियाल, फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी, फास्ट बॉलर जमान खान, स्पिन बॉलर मेहरान मुमताज, स्पिन बॉलर अरफात मिनहास, स्पिन बॉलर सुफियान मुकीम, फास्ट बॉलर मोहम्मद इमरान जूनियर और फास्ट बॉलर शाहनवाज दानी पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा हैं।